आज शाम 6:03 पर वो पल आया जिसके बाद हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों का पूरी दुनिया के सामने सर गर्व से ऊंचा हो गया और सीना चौड़ा हो गया। दुनिया के चांद पर जाने वाले यानों के मुकाबले बेहद कम बजट में चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरकर भारत का तिरंगा फहरा दिया है और इसी के साथ हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश और चांद पर उतरने वाले चौथे देश बन गए हैं। अभी तक बस अमेरिका, रूस और बस चीन ही ये कारनामा कर पाए थे। चंद्रयान 2 की गहरा दुख देने वाली असफलता के बाद भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर अपना प्रण पूरा किया और अपने देश और देशवासियों के साथ किया वादा पूरा कर दिखाया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब तो मन जोर जोर से चिल्लाकर ये कहने का कर रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शायद आप भी हमारे जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। हो भी क्यों ना, हमारे वैज्ञानिकों ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से आज 140 करोड़ भारतीय गर्व से कह रहे होंगे जय हिंद जय भारत। चलिए, ये तो थे हम सब 140 करोड़ भारतीयों के इमोशंस। अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। आप में से काफी लोगों के मन में अब सवाल चल रहा होगा कि चांद पर तो हम उतर गए, लेकिन अब चांद पर चंद्रयान 3 करेगा क्या? चांद पर अगले 14 दिन तक क्या क्या होने वाला है? चंद्रयान 3 किन किन कार्यों को अंजाम देगा? भारत को क्या क्या जानकारी वहां से भेजेगा? चलिए सब जान लेते हैं इस वीडियो में। आज हमारा चंद्रयान 3 शाम को करीब 6:03 पर सफलता पूर्वक चांद पर उतर चुका है। उतरने के बाद इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर करीब 6 घंटे बाद रोवर लैंडर मॉड्यूल से बाहर आएगा। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप अब आगे क्या क्या होने वाला है। लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतर जाने के बाद घंटों तक उस जगह पर धूल उड़ती रहेगी। इस वजह से रोवर को धूल हट जाने के बाद लगभग आज रात 12 बजे इसरो वैज्ञानिक चांद की सतह पर निकलने की कमांड देंगे और इसी के साथ विक्रम लैंडर मॉड्यूल के गेट खुलेंगे और बाहर आएगा रोवर प्रज्ञान। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही इस बार भी लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम रोवर के डिजाइन को समझते हैं। रोवर को 14 अर्थ डेज के मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है, यानी रोवर सिर्फ चांद पर 14 दिन ही काम करेगा, उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। रोवर में कुल वजन 26 किलो है। रोवर प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है। इसमें 2 नेविगेशन कैमरास लगे हैं, जिसका नाम इसरो ने नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट रखा है। इनको आप इसरो वैज्ञानिकों या फिर रोवर की 2 आंखें भी समझ सकते हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगा हुआ है। ये लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। इसमें 2 रिसीवर ट्रांसमीटर एंटेनास लगे हुए हैं, जो लैंडर मॉड्यूल को संदेश भेजने और रिसीव करने का काम करेगा। इसमें 2 आगे और 2 पीछे सिल्वर कलर के टायर लगे हुए हैं, जिनका नाम रॉकर बोगी असेंबली रखा गया है। साथ ही बीच में काले कलर के 2 टायर लगे हुए हैं, जो रोवर प्रज्ञान को 50 mm ऊंचे ऑब्जेक्ट से आसानी से निकलने में सहायता करेगा। रोवर को अच्छे से समझने के बाद चलिए अब रोवर प्रज्ञान को उतारते हैं लैंडर मॉड्यूल से बाहर। चांद पर लैंडिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू होगी चांद से रोवर के बाहर आने की प्रक्रिया। रोवर की कार्य करने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए
इसके बाद हम विस्तार से समझेंगे। लैंडर मॉड्यूल गेट ओपन, ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें लैंडर मॉड्यूल के गेट खुलेंगे और रोवर बाहर आएगा। स्कैनिंग मून सरफेस, दूसरा चरण। इसमें रोवर नेविगेशन कैमरे की मदद से चांद की सतह को स्कैन करेगा। सेंडिंग डाटा टू इसरो सेंटर, तीसरा चरण। इसमें रोवर फोटोज और वीडियोस को इसरो कमांड सेंटर को भेजेगा। मूवमेंट ऑन मून सरफेस, चौथा चरण। इसमें रोवर इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर चांद पर चलना शुरू करेगा। रिसर्च ऑन मून सरफेस, ये रोवर वॉकिंग प्रक्रिया का पांचवा और आखिरी चरण है। इसमें रोवर चांद की जमीन पर रिसर्च करेगा। अब समझते हैं विस्तार से। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल से चांद पर उतर जाने के बाद चांद की सतह पर सब कुछ सही पाकर करीब 6 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर मॉड्यूल विक्रम से बाहर आएगा, वो भी इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर। रोवर प्रज्ञान को एक सीढ़ी के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाएगा, काफी कुछ वैसे ही जैसे किसी ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है। लैंडर मॉड्यूल से निकलते वक्त ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल्स खुल जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। चांद की सतह पर रोवर लैंड करते ही अपनी दोनों आंखें यानी नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट के माध्यम से चांद की सतह और चारों ओर से स्कैन करेगा और फोटोज और वीडियोस इसरो को भेजेगा। इन फोटोज और वीडियोस के आधार पर इसरो वैज्ञानिक इसका एक 3D मैप बनाएंगे और इसी के आधार पर इसरो वैज्ञानिक रोवर के रास्ते को प्लान करेंगे। इस पूरे प्लान को इसरो वैज्ञानिक वापस चांद पर भेजेंगे और इस मैप के आधार पर रोवर को चलने की कमांड देंगे। इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा। साथ ही एक बात और जान लीजिए, जिसको जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चांद की सतह पर रोवर के चलते समय सामने कोई 50 mm तक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये आसानी से निकल जाएगा। 50 mm से अधिक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये अपना रास्ता बदल देगा। इसरो वैज्ञानिक की कमांड पर रोवर एक जगह रुककर लेजर किरणों को चांद की सतह तक भेजेगा। चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। रोवर चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। रोवर में और भी कई उपकरण लगे हैं, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। रोवर में स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लेनेट अर्थ SHAPE भी लगा है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा
कि रोवर का तो समझ आ गया, लेकिन ये जो लैंडर मॉड्यूल है जिसके पेट के अंदर से रोवर बाहर आया है, वो चांद पर खाली डिब्बे की तरह खड़ा रहेगा, बस कमांड ही भेजेगा या फिर कुछ और काम भी करेगा। आइए अब अंत में समझते हैं लैंडर मॉड्यूल की कार्य करने की प्रक्रिया। लैंडर मॉड्यूल को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके डिजाइन को समझते हैं। लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। इसमें दो सोलर पैनल्स लगे हैं, जिसकी सहायता से ये चांद की सतह पर सूर्य से ऊर्जा पाकर कार्य करेगा। इसमें है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC, चार थ्रस्टर्स इंजन, चार लेग्स यानी पांव और एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है। इन सब का इस्तेमाल हम लैंडिंग प्रक्रिया वाली वीडियो में बता चुके हैं, अब दोबारा बताकर आपको बोर नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं सीधा आगे, आपको बताते हैं उन यंत्रों के बारे में जो लैंडर मॉड्यूल में लगे हैं और चांद की सतह पर उतरने के बाद कार्य करने वाले हैं। इसमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्टे लगा हुआ है, जो कि चांद पर लैंडर उतर जाने के बाद एक्टिव होगा और चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशंस में यहाँ की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसमें लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA लगा हुआ है, ये चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली समझाएगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज़मिक एक्टिविटी यानी इल्सा लगा हुआ है, ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापेगा और चंद्र परत एवं आवरण की संरचना का अध्ययन करेगा और चंद्रमा के क्रस्ट व मेंटल की संरचना को चित्रित करेगा। इसमें द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर यानी रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जो चांद पर पहुंचते ही एक्टिव होगा। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा। इसमें लगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स लगा हुआ है, जो लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा, जबकि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना संबंधी अध्ययन करेगा। इसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप नाम का उपकरण लगा है, ये चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। साथ ही लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर ये पता लगाएगा कि भविष्य में चांद पर सौर ऊर्जा उत्पन्न करके पृथ्वी पर उपलब्ध कराई जा सकती है या नहीं। काफी सारे विकसित देश इस प्रयोग में लगे हुए हैं, यानी साफ है कि चांद पर उतर जाने के बाद भी रोवर और इसरो के बीच संदेश वाहक के साथ इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करता रहेगा। लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर रोवर निकल जाने के बाद एक खाली डिब्बे की तरीके से नहीं खड़ा होगा, बल्कि लगातार महत्वपूर्ण कार्य करके इसरो को इसका डाटा भेजता रहेगा। अंत में जाते हुए चंद्रयान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी और जान लीजिए। अब तक आपको सब बता रहे होंगे कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, बल्कि दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब जो चांद का हिस्सा है वहां उतरने जा रहा है। इसका बेहद ही बड़ा कारण ये है कि लैंडर मॉड्यूल और रोवर में सोलर पैनल्स लगे हैं और दक्षिणी ध्रुव पर तो सूर्य की रोशनी जाती ही नहीं, तो फिर ये काम कैसे करते। इसलिए इनको दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक वाले हिस्से पर उतारा जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद इसरो चीफ
ए सोमनाथ भी कर चुके हैं। डॉक्टर ए सोमनाथ ने कहा था कि हम दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी नहीं आती है या बेहद कम रहती है, तापमान माइनस में रहता है। ऐसे में लैंडर काम नहीं करेगा, इसलिए लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारा जाएगा रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल्स सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपने चंद्रयान 3 की चांद पर उतरने की सफलता का जश्न कैसे मनाया, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।